जयपुर में एक दिन में 10 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। आनंद फानन में पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी राजकीय चिकित्सालय पहुंच गए, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम की मौजूदगी में सभी को रुद्रपुर कोविड केयर सेंटर भेज दिया गया। दरअसल रविवार को जिले में सर्वाधिक संक्रमित मरीज काशीपुर में मिले हैं। काशीपुर में एक साथ 10 कोरोना पॉजिटिव केस के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर आ गया है। काशीपुर में पॉजिटिव पाए गए सभी कोरोना मरीज बिहार, इलाहाबाद, महाराष्ट्र, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, मध्य प्रदेश से हाल में लौटे हैं। प्रवासियों के सैंपल पॉजिटिव आने के बाद तत्काल बाद इसमें से प्रकाश रेजिडेंसी कवि नगर और लक्ष्मीपुर पट्टी में रहने वाले 3 परिवारों के 15 लोगों को सख्ती से होम क्वारंटाइन करने की तैयारी की जा रही है। 28 जांचें आज हमारी आई हैं, जिसमें कि 10 कोरोना पॉजिटिव संक्रमित पाए गए और ये लोग 21 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख में अलग अलग जगहों से आए थे, बॉम्बे, पुणे, महाराष्ट्र में और होशंगाबाद मध्य प्रदेश और दिल्ली के कस्बे में। और इसमें सभी कम उम्र के हैं, कोई ऐसा बुजुर्ग नहीं आया है। एरिया वाइज ये लोग मजरा के, कवि नगर के, बासखेड़ा और महेशपुरा के हैं और एक इसमें आर्यनगर का भी केस है और प्रकाश रेजिडेंसी के। इसमें 3 लोग ऐसे थे कि जो कि होम क्वारंटीन थे, तो इन लोगों को जब ये लोग फ्लाइट से आए तो हमने इनको होम क्वारंटीन का दिया, लेकिन हम लोग उसमें कह देते हैं कि सैंपल हम लोग इनका लेंगे। तो अगले दिन हमने इनको बुलाकर इनका क्वारंटीन सैंपल, इनका जब सैंपलिंग करा तो आज ये लोग पॉजिटिव आए। तो अब हम लोग अपनी टीम को भेज रहे हैं जो इनके घरों को जाके स्ट्रिक्ट होम क्वारंटीन सभी मेंबर्स को करेंगे और उनसे जो माँ बाप और भाई बहन हैं वो कुल मिला के 14-15 लोग हैं। कल मॉर्निंग में इनके सैंपल्स भी कराए जाएंगे।